सुबह का समय हुआ है जी, 3:30, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है स्टेशन पे। और अभी हम लेने के लिए आए हैं टिकट, इधर से हम बद्रीनाथ वाली बस की टिकट लेंगे जो हमें सीधा गोविंद गार्ड के पास उतार देगी। जनाब, ये जो आपको बस दिख रही है ना, ये बस है अपनी जो सीधा हमें बद्रीनाथ से पहले जो गोविंद घाट आता है उधर उतारेगी। शुक्र है भगवान का कि हमें सीधी है ना बस मिल गई है। और आज तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर एंड सुबह का समय हो चुका है जी 4:30-5 बजे ये बस चलेगी, सीधा हमें गोविंद घाट उतार देगी शाम के समय तक। और शाम को हम अपनी यहाँ जो ट्रैकिंग शुरू करेंगे, ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि हमें बस मिल गई। अगर ना मिलती तो हमारा बुरा हाल होने ही वाला था। और ठीक है, सामान रख दिया, सारा कुछ अपना पैक कर दिया हमने, और उधर में चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं एंड देन अपने सफ़र को शुरू करते हैं। समय हुआ है जी सुबह के 5:30, और अपना जो सफ़र है पूरा 12 घंटे का सफ़र है, और गाड़ी अपनी अभी रीफिल हो रही है। सुबह के 5:30 बजे चलेगी, शाम को 6:30 बजे गोविंद घाट पहुँच जाएगी। पूरा 300 से 350 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। हल्की हल्की सी बूंदाबारी बारिश हो ही रही है। तो प्यार भरी सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। उत्तराखंड के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम चले हैं हेमकुंड साहिब के लिए। आज हेमकुंड साहिब का लास्ट दिन है, कल 10 तारीख को लास्ट दिन है, और आज का दिन अपने पास बचा है। आज हर हालत में हमने हेमकुंड साहिब ऊपर टॉप के आसपास पहुंचना है, तो हम ट्राई करेंगे अगर हमारी बस समय से पहुँच सकी तो आज रात को ही हम अपना जो ट्रैक है शुरू करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं अपनी बस के अंदर और अपना सफ़र है इंजॉय करते हैं और अपना सफ़र है जो शुरू करते हैं। इतने अपनी बस के अंदर जो है रिफिलिंग हो रही है और हम बैठते हैं। हमने ना बिना परमिशन लिए इनके अपने साइकिल है ना ऊपर पैक करके रख दिए, पर बांध भी दिए हैं, हमें डर है कि ये अपने साइकिल है ना टूट के नीचे ना गिर जाएं कहीं, क्योंकि रस्सी अपनी स्ट्रेचेबल है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो चलते हैं, सफ़र अपना शुरू करते हैं। सुबह सुबह का जो माहौल है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत है, और ऐसा एहसास हो रहा है कि हम है ना बादलों के ऊपर, कभी नीचे कभी बीच बीच फिर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है अपना रास्ता। और भाई साहब जी ने ना अपनी गाड़ी है जो पूरी यार बगा रखी है, और अभी अभी मैं चेक करने के लिए आया था, मैं कहा यार साइकिल अपने बच गए हैं या कहीं नीचे नीचे खाई में गिर गए हैं। बट यार शुक्र है कि हमने ना अच्छे तरीके से बांधा हुआ था तो हिला ही नहीं। अभी मैं देखने लग रहा हूँ यार, इधर में नज़ारा है ना पहले की तरह ही है, जब हम कपाट खुले थे तब आए थे तब भी इतना ही खूबसूरत था उत्तराखंड, और अभी भी इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और देख सकते हो नीचे नदी बह रही है और ऊपर में बादल हैं, पहाड़ों पे ग्रीनरी है चारों ओर। और अभी गाड़ी रुकी अपनी कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं रुकेगी। शुक्र ये है कि ये है ना रास्ते की सवारी कोई नहीं बैठा रही, जितनी बुकिंग हुई है बस उसी में ही सारा अपना मतलब गाड़ी वाले चल रहे हैं। अगर रास्ते में बैठाते तो रुक रुक के जाती तो शायद टाइम पे ना पहुंच पाए, अभी ये टाइम पे पहुंचा देगी हमें। तो चलो चलते हैं, खाना पीना खाते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है हमें खाने के लिए सुबह सुबह। लो जी, फाइनली आ चुका है अपने सुबह का ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म परौंठे एंड दाल के साथ एंड दही है। ढूंढ हम रहे थे कि रोटी मिल जाए बट रोटी नहीं थी यार, तो इसी से हमें अभी अपना जो काम चलाना पड़ेगा। और सुबह सुबह यार आपको पता है ज़्यादातर ना ब्रेकफास्ट ही बनते हैं, तो ब्रेकफास्ट ही भाई जी अभी बना रहे हैं, उसमें ही परौंठे हैं, तो खाते हैं और फिर निकल रहे हैं आगे की ओर। लो जी, अभी अपनी गाड़ी रुकी है इधर खाने पीने के लिए कुछ हल्का फुल्का सा, और शाम का जो समय हो चुका है 3 बज चुके हैं। अभी अपना सफ़र है ना जो 60 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। अभी जस्ट हमने ना
कर्णप्रयाग है जो वो क्रॉस किया है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम गोविंदगढ़ के आसपास पहुंचे। 2-3 घंटे का अपना सफ़र हो रह गया। कुछ खाते पीते हैं यार, और देखते हैं क्या कुछ खाने के पीने के लिए मिलता है हमें। एंड उधर जो रिवर का भाई नज़ारा आ रहा है ना, पूरा ज़बरदस्त नज़ारा है। मैं रिवर का पहले आके नज़ारा दिखाता हूँ, और भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा है। कैसा जा रहा भाई सफ़र तेरा? बढ़िया जा रहा है भाई। ये भाई पहली बार आया है, मेरा तो दूसरी बार है हेमकुंड साहब का। बढ़ जाओ, इधर से नज़ारा है भाई। मैं आपको ये जो आपको सभी है ना इधर में खा रहे दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी में इनकी ना बस छूटने वाली है, और बेचारे ना खड़े होके खा रहे हैं कि यार जल्दी जल्दी खा ले हम, हमारी बस ना छूट जाए, कोई हमें छोड़ ना जाए इधर में। और भीड़ बहुत ज्यादा है, हमने देखा कुछ, हमें कुछ पसंद नहीं आया। खाना पीना कुछ चला जा, समोसा समोसा देख लेने हैं, कुछ समोसा समोसा खाने हैं, देखते हैं कोई समोसा समोसा खाते हैं यार, एंड देन फिर निकलते हैं इधर से। रोही चाय के लिए इधर में पड़ रहे हैं लाली भाई, चाय नहीं दे रहा यार, इतने बोल रहे हैं भाई जी चाय दे दो यार। भाई हमारी बस छुड़वा देंगे भाई। सारे पर्चियां लेके खड़े हैं चाय वाले। लो जी गर्मा गर्म चाय आ गई है, चाय पिला दे बेटा, टॉइन लो। दोस्तों स्वागत है आपका जोशी मठ के अंदर। यार पूरे दिन का सफ़र करने के बाद अभी पहुंचे हैं, शाम का समय हो चुका है 5, और सुबह से जब के हम चले हैं ना तब की बारिश ही बारिश हो रही है, पूरे माउंटेन्स के ऊपर आप देख सकते हो यार। क्या नाम है तेरा? ले ले टॉफी कैंडी, कैच कर कैच। सभी लोग ना इधर इकट्ठा हो गए हैं, अपनी गाड़ी खराब हो गई है, इसकी ना क्लच प्लेटें बिल्कुल सड़ गई हैं। तो पाजी क्या डिसाइड किया अभी, क्या करोगे? करना की है और और सभी है ना उसके गल बढ़ रहे हैं यार कि हमको लेके जा, लेके आ, छोड़ के आ, जो ड्राइवर है भाई। तो वो भाई बोला कि करते हैं कोई ना कोई जुगाड़, अभी किसी सुमो के अंदर सारे जाने बैठेंगे और हम बैठ के गोविंदगढ़ तक पहुंचेंगे। मतलब ऐसा हो गया यार, पूरा हाथी निकल गया, अभी पूंछ पूंछ ही बच गई थी, सारा 10 किलोमीटर रह गया हमारा, हम तो उधर तक पहुंच जाए बहुत है। बाकी लोग तो चलो कल भी चले जाएंगे, बद्रीनाथ के दरबार अभी क्लोज नहीं होने वाले है ना। ओह लो जी रात का समय हो चुका है 9:30, और जस्ट अभी अभी हम पहुंचे हैं गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में अभी जस्ट एंट्री हुई है, इतनी ज़्यादा लेट हो गए यार। उधर में ना आंटियों की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी, पीछे 5-6 आंटियाँ बैठी थी, तो वो जैसे क्या कहते हैं अपने सास की कभी बहू जी होती है ना, वैसी वैसी बातें चल रही थी, तो मैं हंस रहा था पीछे। 2-3 घंटे आंटी जी ने ना पूरा दिल लगा के रखा, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं गोविंदगढ़ गुरुगढ़, और इधर में 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है अपने साथ। क्यों भी कैंट है, कैंट है पूरा भाई। वाह यार। सारे दिन के सफर के बाद है ना फाइनली हम रात के 9:30 अपने कमरे में पहुंच चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं अभी कौन सा है ये गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में हम पहुंच चुके हैं यार। और सारा दिन है ना बसों में धक्के खा खा के अपना बुरा हाल हो गया। पता क्या हुआ अंत में है ना, जहां पर हमारी बस खराब हो गई थी मैंने आपको दिखाया है ना जोशीमठ में, उसके बाद हमने उधर से की एक कैब, और कैब के ऊपर सारा अपना सामान रखा सुमो की, और मेरे साथ है ना पीछे 3-4 आंटी जी बैठ गए थे, और वो आंटी जी अपनी ही बातें करते रहे कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, बहू को काबू में रखना चाहिए, सास को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहू को जो सास बोलती है वो करना चाहिए, मतलब सास बहू वाली है ना वो चल रहा था। तो मेरे को कहीं ऐसा एहसास हुआ कि वो जो होता है ना
कसौटी जिंदगी की वो वाला ना इधर में सीन चल रहा है, तो मैं उनकी सुनता रहा, दो ढाई घंटे लग गए हमें, तो उनकी मैं बातें ही सुन रहा था, इंजॉय कर रहा था। आंटी जी मेरे को बोले तुम्हें ऐसी महफिल कभी मिली है? मैं कहा नहीं नहीं आंटी पहली बार मिली है, मैं कहा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। कहती तू वीडियो बना ले तेरे को कंटेंट मिल रहा है, मैं कहा नहीं नहीं मैं कहा वीडियो नहीं बनानी, तो अंधेरा था इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और इधर से कल सुबह हम श्री हेमकुंड साहिब जी का जो यात्रा इधर से शुरू करेंगे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे और देखते हैं कितने समय में हम पहुंच पाएंगे। ये कमरा हमने ले लिया, सामान इधर ही छोड़ के जाएंगे अपने साइकिल, हो सकता है अगर मौसम ने साथ दिया अपने कंधे पे उठाकर साइकिल अपने साथ ही लेकर जाएंगे हम, तो कुछ इस तरह का प्लान है। और अभी चलते हैं लंगर पानी छकते हैं और नहाते हैं, एंड आज के ब्लॉग को, इस छोटे से ब्लॉग को इधर ही समाप्त करते हैं। और मेरे को पता है यार 2-3 दिन हो गए ना व्लॉग ऐसे ही घिसे पीटे से चल रहे हैं, बट क्या करूं यार, अभी है ना माइंड उस संतुलन में नहीं है कि हम अच्छे वाली व्लॉगिंग कर पाएं। बट श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने के बाद आपको पूरे अच्छे वाले व्लॉग मिलेंगे और पूरे रॉ वाले मिलेंगे और खाना पीना खुद से बनाकर खाने वाले मिलेंगे, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा के बाद हमने बद्रीनाथ चला जाना है, और उधर में पता है आपको लास्ट विलेज है जो माना, उधर से अपनी जर्नी है जो शुरू करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप पे आ जाएंगे और टॉप से धीरे 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 नीचे हम नैनीताल की तरफ निकलेंगे। मतलब 1-1.5 महीने का प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है और बड़ा मज़ा आने वाला है। उत्तराखंड की सारी जर्नी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई जाएंगी, गाँव घूमे जाएंगे इस बार उत्तराखंड के, और ट्राई करूँगा बिल्कुल गांव से गांव रो वाली ज़िंदगी आपको दिखाई जाए। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, बाय बाय। आज के व्लॉग को इधर ही करते हैं समाप्त, बाय बाय, सत श्री अकाल जी।